Thank you very much, sir. First of all, I would like to thank my party and my leaders for giving me this opportunity, and also thank you for giving me this opportunity, sir. Sir, I want to really congratulate the Honorable Finance Minister. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, she has presented a very important budget. It is an all-encompassing budget where it has taken care of everyone. So there is something for everyone in this budget. सर लेकिन इस बजट को मैं बहुत लोगों को सुन रहा था यहाँ पर बहुत पुराने पुराने जो मंत्री भी रह चुके हैं ऑपोजिशन बेंच में और बहुत सारे ऐसे लीडर्स को मैंने सुना जिन्होंने बजट के बारे में काफ़ी टिप्पणियाँ की लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सर बजट को किसी बैकड्रॉप पे देखना चाहिए किसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए इन आइसोलेशन बजट को कभी नहीं देखना चाहिए जब बजट प्रेजेंट करती है सरकार तो उसका कोई मकसद होता है और उस मकसद को देश के मकसद से को अकेले रख के नहीं देखना चाहिए इस बजट में सरकार ने जो बजट पेश किया इसको आइसोलेशन में नहीं साइलो में नहीं बल्कि इस बजट को एक कंटिन्यूटी में देखना चाहिए कि पिछले सारे जो बजट अभी तक पेश किए गए हैं सर और जितने आत्मनिर्भर पैकेज रहे हैं और जो सरकार 2014 से जो एक चरबराती इकोनॉमी को सुधारने की जो कोशिश कर रही है 2014 से उसी नज़रिए से देखना चाहिए कि उस पूरे 7 सालों में जो हमने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स किए हैं रिफॉर्म मेजर्स लिए हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं पॉलिसी रिफॉर्म्स मेजर्स किए हैं और बहुत सारे जो ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे आज जो है इकोनॉमी जो है एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी उभर के आई है ये हमें सबको मालूम है और मेरे ख्याल से अपोजिशन बेंच को ही मालूम है कि हम 2 साल एक तीसरा साल है सर जब हम कोविड से जूझ रहे हैं सर हमें बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को के और देश के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे और सारे साइंटिस्ट को कि आज हम बड़ी अच्छी स्थिति में बड़े सुरक्षित स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं लेकिन इसके पीछे एक लीडरशिप थी इसके पीछे एक सोच थी और प्रधानमंत्री इसके बधाई के पात्र हैं लेकिन उससे हट के मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये कोविड आया और कोविड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जब श्री जाफर इस्लाम इट इज बियॉन्ड 3 नाउ द 3 हाउस वाज सपोज्ड टू एडजॉर्न But if we have some pending business like special mentions and all, very short business. So we want to finish it. If the house we want to extend the house for another 15 minutes. If the house agrees, okay, okay. So thank you, sir. Yeah. Let him. He has just started. He will please. Thank you very much, sir. I'll finish in 15 minutes. So I was talking about the period we had in COVID. और वो 2 साल का वक्फा जो 3rd साल है सर उसमें हमने जो तकलीफों का दौर देखा है जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमराई जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ाई भारत को एक्सेप्शन देश नहीं था भारत की अर्थव्यवस्था को भी असर पड़ा लेकिन हमने जो रिफॉर्म्स मेजर लिए थे आज जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इकॉनमी अच्छी हालत में नहीं है वो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज के हालात में अगर इकॉनमी को देखिए सर तो आज के हालात में अगर आप देखिए तो इकॉनमी जो है सबसे तेज़ी से चल रही है इस बार का हमारा जो 9.2 का जो GDP रहा है GDP ग्रोथ वो अपने इस बात को दर्शाता है कि हम एक बुरे दौर से वापस आ गए हैं हमने रिकवरी मोड में है रिकवर करके तेज़ी से हमारी इकॉनमी बढ़ रही है जिस पैरामीटर पे देखिए चाहे सर जितना भी आप जिस पैरामीटर पे भी अगर देश की इकॉनमी को देखेंगे देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इकॉनमी तेज़ी से बढ़ रही है चाहे आप देखिए एक्सपोर्ट का नंबर देखिए चाहे टैक्स टू GDP नंबर देखिए सर रिकॉर्ड हाई है टैक्स टू GDP रेशियो जो है इस बार का जो है हमारा बजटेड जो फिगर था सर बजटेड जो 2022 फाइनेंशियल ईयर का जो बजटेड बी था वो 9.8% था 9.9% सर बट इवेंचुअली 10.8% जो है रिवाइज एस्टिमेट जो है 10.8% दैट ओनली सजेस्ट कि इकोनॉमिक रिकवरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और ये 10.8% सर अगर आप देखिए पिछले 2 डिकेड में सबसे ज़्यादा जो है इस बार जो है टैक्स टू GDP जो बेस्ट नंबर जो है वो इस बार का रहा है और इस बार जब देखिए अगर आप इस अगर जो इस पर एक्सपोर्ट्स का नंबर देखिए तो एक्सपोर्ट्स का नंबर जो है सर ऑल टाइम हाई चल रहा है सर पर मंथ जो है वो 32-33 बिलियन डॉलर का चल रहा है
अगर आप देखें क्रेडिट ऑफटेक जो है नहीं हो रहा था बिकॉज पिछली सरकार ने इतने लोन बांट लिए थे, उसके बारे में कभी नहीं बात करते हैं कि हमने इतने लोन बांटे, लेकिन वो बात करते हैं कि लोन जो वापस कभी नहीं, उसको सुधारने के बाद डिलेवरेज कंपनी करने, जो लेवरेज इतना कंपनी कर चुकी थी उसको उन्होंने डिलेवरेज किया, और अब इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि देखिए क्रेडिट ऑफटेक भी है, अभी 9.9% प्लस में क्रेडिट ऑफटेक है जो कि पिछले महीने में 7% था। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि सर इकोनॉमी इन द राइट डायरेक्शन, बैक इन ऑर्डर और इट्स मूविंग वेरी फास्ट। दैट्स वाई अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और दुनिया के जो निवेशक है वो हिंदुस्तान में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड जो है हमारा FDI है 62 बिलियन, अगर प्रोरेटा बेसिस पे देखें तो 64 बिलियन डॉलर जो है हमारा आएगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए कि इंडिया को आप ब्राइट स्पॉट देखते हैं। क्या सोचते हैं सर ग्लोबल इन्वेस्टर्स, क्या सोचते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स, देखते हैं दो चीज़ की, देश की अर्थव्यवस्था में एक ऐसी लीडरशिप के हाथ में है जो कि ठीक है कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था सबकी खराब हुई थी, क्या ऐसी लीडरशिप है जो इसको अच्छे डिसीजन ले सकती है और उसको वापस पटरी पे खड़ा कर सकती है। तो आज हमने ये देखा कि उस इकोनॉमी को जो वापस ऑर्डर पे आई, उसके बाद इसको और तेजी से कैसे ले जाना है, उसकी भी जो है इस बजट पे पेशकश की। जो बहुत छोटे संक्षेप में बोलूंगा सर, अभी कुछ हमारे सीनियर लीडर जो अपोजिशन के वो कह रहे थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखिए तो हमने कोई, आपने कोई ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा था 70 सालों में कि जिसको हमने खराब कर दिया हो। हमने तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के अगर हिसाब से देखें, CAGR जो एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, उस पर 23% हमने जो है वो उस रेशियो से हमने खर्च किया है, इसलिए कि वो कंपेयर कर रहे हैं कि पर कैपिटा दुनिया की 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, $175। अरे आप कंपेयर करना है तो करिए कि इटली और उसको भी देखिए कि आपने जिस समय में उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो आपने क्या किया, आपने तो दुनिया के जो 200 कंट्रीज में के पाद आ पाते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जबकि आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट आपका अमेरिका का है, आपका इटली का है जो कि नंबर 1 नंबर 2, आप फ्रांस और जर्मनी की बात करते हैं, ये इन सब कंट्रीज की बात करते हैं जिन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड लिया था सर, जब हम सो रहे थे तो उन्होंने लीड लिया था। अब हम ये सरकार जो है लीड ले रही है, इसीलिए खर्चा भी कर रही है, और उसका ये भी दिख रहा है कि आज जो पिछले साल बजट में सबसे बड़ा लार्ज एलोकेशन हेल्थ सेक्टर में हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि जो गांव-गांव तक जो हमको आज राहत पहुंचाने का काम हम कर पा रहे हैं, जो हमने जो गांव-गांव में जो हेल्थ केयर सेंटर जो हम खोल रहे हैं, इससे किसको फ़ायदा होगा, इससे आम जनता जो आज भाग के अगर छोटे शहर में, हम जैसे लोग जो छोटे शहर से आते हैं सर, जो हमने बचपन छोटे शहर में गवाया है, तो हमने छोटे शहर में जब हमने गुजारा तो देखते थे कि कोई बीमार पड़े तो उसको किसी बड़े शहर में ले जाना पड़ता था। आज इस सरकार की कोशिश है कि हर छोटे शहर में एक अस्पताल हो, मेडिकल सेंटर हो, ऐसे सेंटर हो जिसमें इलाज हो सके। तो ये सरकार की सोच है, आपकी सोच नहीं थी, आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लेकिन आप अपना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करें कि आपने क्या किया था। उसी तरह से अगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में हमने इस बार जो है एजुकेशन सेक्टर में 1 लाख एजुकेशन के लिए 1 लाख करोड़ का जो है बजटरी एलोकेशन किया है। आप जरा 2014 में देख लीजिए आपका क्या बजटरी एलोकेशन था, आपका बजटरी एलोकेशन था नॉट इवन 50,000 करोड़। वहाँ से हम अपने 7 सालों में डबल कर दिया सर बजटरी एलोकेशन। आप इसलिए कि हम चाहते हैं कि गांव-गांव तक एजुकेशन में हर तरह का वो सपोर्ट मिले अपने आने वाली पीढ़ी को, ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ पाए। सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बजट में क्या है, इस बजट में लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। साहब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ठीक होगा, आपने तो बार बार CMI का डेटा, आपने हर जगह पे आप CMI का डेटा बात करते हैं, जब आप CMI का डेटा ले लीजिए पिछले जो प्री कोविड लेवल और अभी ले लीजिए, तो आपको समझ में आएगा प्री कोविड लेवल में जो सिचुएशन थी उससे वापस आ गए कोविड लेवल में, जितने 24% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वापस आ गए, हम ठीक से आ गए हैं। और जब तेज़ी से इकोनॉमी बढ़ रही है और जब इस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हमने कमिट किया है कि हमारा फोकस क्या है सर, कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। आप कह रहे हैं कि डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगा, कैसे डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगा, सिर्फ पैसा बांट देने से, या कि परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकलता है सर, जब आप इन्वेस्ट करेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करेंगे, इसलिए कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है इसका GDP पे।
आप अगर चाहे रुपये एक रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, रेल में करते हैं, तो 5-5.5% रुपये उसका नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों को लेते हुए आप रोड पे करते हैं तो 3-3.5 रुपये का होता है। उसी तरह से हमारे सरकार का फोकस और जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ेगा, जब जैसे ही हम कैपेक्स जो अपना जिस तरह से शुरू होगा तो जाहिर है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइवेट कैपेक्स शुरू होगा, प्राइवेट कैपेक्स शुरू होगा तो नौकरी और बढ़ेंगी। तो ये तो बिल्कुल वर्चुअल साइकिल है सर। हमारी सरकार ने उसको ध्यान रखते हुए कहा किया है कि हम इस तरह की पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि परमानेंट सॉल्यूशन, हमारे हमारे पुराने जो सरकारें रही हैं उनकी सोच होती थी कि कुछ बांट दो, थोड़ा सा बांट दो, उनको छोड़ दो उनकी स्थिति में छोड़ दो। लेकिन हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम मजबूत बनाएंगे, हम एम्पावर करेंगे, हम हाथ थामेंगे, हम ऐसी सिचुएशन बनाएंगे, हम क्रिटिसिज्म से कतराएंगे नहीं बल्कि हम उनको मजबूत करेंगे। अपोजिशन क्रिटिसाइज कर सकता है लेकिन अपोजिशन को मालूम है कि पटरी पे चल रही है सरकार, इकोनॉमी और तेजी से चल रही है, जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएशन की बात कर रहे हैं हम, जॉब क्रिएशन होगा। इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है सर, सबसे ज्यादा डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की जो बात करते हैं सबसे ज्यादा इसी वक्त इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ेगा। हमने 7.5 लाख करोड़ किया है सर, 7.5 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप जरा से 2014 में देख लीजिए, आपको अपना बजट भी देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि 2014 में आपके बजट का बजट में 2 लाख करोड़ के लिए आपने पूरा कैपेक्स के लिए डाला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अभी 7.5 लाख करोड़ है। और उस वक्त के साथ देखिए सर, बजट जो जीडीपी का साइज 100, आप 2014 में छोड़ा था जीडीपी का साइज 112 लाख करोड़ का, आज हमारे जीडीपी का साइज जो है, जीडीपी का साइज है 258 लाख करोड़ का, जो FY 2023 का जो बजट खत्म हो रहा है, वाइंड अप कीजिए सर, 5 मिनट सवतीन है सर, सवतीन 15 मिनट जो आपने दिया तो उसी में बोलूंगा, इसके बाद और एजेंडा है सर, बस पांच मिनट मैं, बस 5 मिनट मैं अपनी बात संक्षेप में खत्म कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए सर, इस बजट का जो Either you will have to wind up now or you will speak tomorrow. नहीं सर, मैं wind up कर रहा हूं, दो मिनट में wind up so, in 1 minute you wind up. मेरे को क्या कर रहे हो? No, no, you address to the chair and listen to the chair. Sir, you have sir, 1 minute sir, to finish. Sir, I will conclude. I will conclude. In 1 minute, sir. I'll go to the another agenda. I'll conclude in 2 minutes, sir. Sir, okay. My final, I'm just only concluding, sir. Sir, the focus of this budget is growth-oriented. The government has very clearly committed large allocation, budgetary allocation for CAPEX. That will ensure that there is enough job creation, there is enough demand, there is enough consumption, and obviously there will be a virtuous cycle for private investment as well. Sir, this three things which are very important is focus raha hai, sir. कि हमारे जो चाहे वो रूरल सेक्टर हो, अगर रूरल डेवलपमेंट में देखें तो इस बार हमने आई एम गोइंग टू द अदर एजेंडा नाउ बिकॉज द हाउस हैज अदर बिजनेस आल्सो। इफ यू हैव नॉट फिनिश्ड, यू कैन फिनिश इट टुमारो। वेल आई हैव नॉट फिनिश्ड सर, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, बट एनीवेज यू कैन कंटिन्यू टुमारो विल यू? यू कैन कंटिन्यू टुमारो सर, देयर इज टाइम कंस्ट्रेंट। Okay, so I okay, you, either you finish it now. Sir, if you give me 2-3 minutes, I'll finish it. It already, there is no time. I cannot make another extension of the house. I'll have to take sense of the house. So please, you'll speak tomorrow. So yeah, I'm going sir, to the sir, I'm just concluding it, sir. I'm concluding it, sir. No, sir, no, not now. Now you'll speak tomorrow. Now special mention.